हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है इस वीडियो में। आज का टॉपिक है कॉन्टैक्ट नंबर सेव कैसे करें। मेरे पास रेडमी का फ़ोन है और रेडमी के फ़ोन में कैसे कॉन्टैक्ट नंबर सेव करेंगे इस वीडियो में बताने वाली हूँ। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मेरे वीडियो को लाइक और शेयर कर लीजिएगा। स्टार्ट करते हैं वीडियो। फ्रेंड्स, आपको कॉन्टैक्ट नंबर सेव करने के लिए डायल पैड को ओपन करना है, तो मैं डायल पैड को ओपन कर लूँगी। डायल पैड को ओपन करने के बाद आपको कॉन्टैक्ट्स बनाना है और उसके बाद आपको यहाँ पर क्रिएट न्यू कॉन्टैक्ट का ऑप्शन मिलेगा। इस पर क्लिक कर देंगे ऊपर की ओर, स्क्रॉल कर लेंगे। यहाँ पे आप जिसका भी कॉन्टैक्ट नंबर सेव कर उसका नाम डाल लेंगे। तो मैं यहाँ पे कोई से भी नाम सेव कर देती हूँ और यहाँ पे फ़ोन नंबर या मोबाइल नंबर डाल लेंगे। तो मैंने डाल लिया। उसके बाद आपको यहाँ पर अगर आपको एड्रेस डालना है और जिसका भी आप कॉन्टैक्ट नंबर सेव करो, बर्थडे का बात है, वो सब डालना है, तो उस पर क्लिक कर देंगे। इस पर मैंने क्लिक किया था, ये रहा बर्थडे का बात है, ये सिलेक्ट करेंगे यहाँ से और ऐसे आप सेट कर लेंगे। मेरे को नहीं करना है इसलिए बैक कर रही हूँ। यहाँ से आप टैग फोटो पर क्लिक करते हैं तो आप फोटो आपका कैमरा ओपन हो जाएगा और आप फोटो क्लिक करके फोटो क्रॉप करके आप लगा सकते हैं। और चूज़ फोटो पे भी ऐसे ही, चूज़ फोटो पे आपको जो गैलरी पे जाएंगे, गैलरी में फोटो चूज़ करेंगे और क्रॉप का ऑप्शन आएगा, क्रॉप कर देंगे। बट मुझे फ़ोटो नहीं लगानी, वो आप पे डिपेंड करता है फ़ोटो लगाना है कि नहीं लगाना। तो मैं सेव पे क्लिक कर देती हूँ। फ़ोटो नहीं लगानी तो भी चलेगा, यहाँ पर बस रंग हो जाए। देख सकते हैं यहाँ पर फ्रेंड्स, ऐसे ही अपने फ़ोन जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो सेव कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आई होप आपको कॉन्टैक्ट नंबर सेव करना आ गया होगा। तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मेरे वीडियो को लाइक और शेयर कर लीजिएगा। फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।